أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات الله एक मरतबा और बलंतर सलावात बरादरान ईमानी और अजीज़ान हुसैनी कुरान हकीम के सूरह मुबारक दहर या सूरह मुबारक इंसान की पहली आयत हमारी फ़िक्र नज़र की रहनुमाई कर रही है। मैंने गुजारिश की कि कुरान हकीम तमाम आलम इंसानी के लिए हर हर फ़र्द के सतह ज़हनी पर उससे मुखातब होता है, उससे मुखातब होता है, हर एक को अपना मुखातब बना लेता है। कुरान हकीम का उसलूब, कुरान हकीम के अल्फाज, कुरान हकीम के कलिमात मुअज्जज़ा हैं। ये सूरा बजाय ख़ुद एक किताब है, इसकी हर आयत एक किताब है, इसका हर हर्फ एक किताब है। इस एतबार से तदब्बुर और ताक़ुल की राहें खुली हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि तफसीर बिर्राय में मुब्तला नहीं होना चाहिए, मगर ये ख़्याल रहे कि हम जो कुछ गुजारिश करते हैं वो तफसीर बिर्राय नहीं है। तफसीर बिर्राय की तारीफ़ ये है कि कुरान हकीम की तफसीर इस तरह की जाए जो अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक हो, लेकिन अगर कुरान मजीद की तफसीर ऐसे की जाए जो मुराद मशीयत के मुताबिक हो तो वो तफसीर बिर्राय नहीं है। क़ुरान हकीम मुअज्जज़ाए आखिरी किताब है, क़याम क़यामत तक अब कोई दूसरी किताब नाजिल होने वाली नहीं है, इसलिए इसकी इबारतें ऐसी हैं कि जो असर नुज़ूल क़ुरान में भी काबिल फ़हम थी। आज 21वीं सदी में भी काबिल फ़हम है
और क़ुर्ब क़यामत भी काबिल फ़हम रहेंगी। और हर असर में, हर दौर में उस दौर की बशरी ज़रूरतों से रिलेवेंट भी रहेंगी। क्या एजाज़ है, क्या एजाज़ है क़ुरान मजीद का। क़ुरान मजीद की तिलावत करें तो फ़ायदे से खाली नहीं, क़ुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें तो फ़ायदे से खाली नहीं, तफसीर पढ़ें तो फ़ायदे से खाली नहीं, और अगर तावील तक पहुंच जाएं तब तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। जो गुफ्तगु जारी थी कल जिस मंजिल तक पहुंची है उसके सिलसिले में कुछ सवालात भी आए हैं, मुझे इन सवालात का जवाब भी देना है। मैंने गुजारिश की थी बरसबीले मिसाल पहली मजलिस में कि अल्लाह सुभानहु व तआला ने शैतान को आज़ादी क्यों दी। कुछ हजरात को वो बात अभी अच्छी तरह रोशन ना हो सकी, मैं दोबारा इशारा कर रहा हूँ उन मतालिब की तरफ। अल्लाह सुभानहु व तआला की ज़ात पाक हक है, हक उसका नाम हक है, वो हक है, उसका उसकी ज़ात पाक खैर महज है। उसकी ज़ात पाक में, उसके सिफात में, उसके अफ़ाल में कहीं शर की गुंजाइश नहीं, वो वजूद महज है। और जब खैर व शर की बहस चलती है तो जाहिर सी बात है कि इसको उस इस्तिलाह में जाकर सोचिए कि फ़लासफ़ा ने खैर की क्या तारीफ़ की है, शर की क्या तारीफ़ की है। बहुत से अल्फाज, बहुत से कलिमात, बहुत सी इस्तिलाहें हैं, इल्मी सतह पर कुछ और तारीफ़ात रखती हैं, उर्फी सतह पर उनका मफहूम कुछ और समझा जाता है। तो उर्फी सतह पे जो मफहूम है वो इल्मी सतह पे वो मफहूम या वो तारीफ़ या वो डिफिनेशन माखूज नहीं है। इसीलिए जिस फ़न और जिस इल्म की बहस हो उसके अहल से हासिल करना चाहिए। आम मिसाल है, एक लेमैन जो अंग्रेज़ी नहीं जानता, जो मेडिकल साइंस नहीं जानता, किसी से वो चंद बीमारियों के नाम सुन ले और उन बीमारियों का एक तसव्वुर ख़ुद कायम कर ले अपने जहन में, या आम तौर पे जो राइज हो जाता है मफहूम, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बुनियाद उन्हीं नाक़िस मफाहीम और तसव्वुरात पे रख ले। कैसे तवहुमात में मुब्तला रहेगा, ज़िंदगी उसकी कैसी नापायदार हो जाएगी। यही शख्स अगर वाकई किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला जाए, यही शख्स, और उससे उन बीमारियों की हकीक़त दरियाफ़्त कर ले तो बहुत से मुगालते जहन से दूर हो जाएंगे। तवहुमात दूर हो जाएंगे, वहम में मुब्तला नहीं रहेगा। मुमकिन है अपने को बीमार समझ रहा हो, बहुत संगीन बीमारी में मुब्तला समझ रहा हो, डॉक्टर मुस्कुरा के कहेगा आपको कोई बीमारी ही नहीं है, जिस चीज़ को आप बीमारी समझ रहे हैं वो बीमारी नहीं है, वो किसी और सबब से है, किसी और कैफियत से। ये रोज़मर्रा के तजर्बे हैं,
ये मिसाल इस बात की कि जो शय जिस इल्म से ताल्लुक़ रखती हो, जो इस्तिलाह जिस इल्म से ताल्लुक़ रखती हो, जो बहस जिस इल्म से ताल्लुक़ रखती हो, जो मसला जिस इल्म से ताल्लुक़ रखता हो, उस इल्म के मर्द मैदान से हासिल कीजिए तो मसला हल हो जाएगा। कहीं और जाके हासिल कीजिएगा तो मसला कभी हल नहीं होगा। कोई कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, फ़तीन हो, ज़हीन हो, मगर वो मसाइल को हल नहीं कर सकता। इसीलिए क़ुरान मजीद ने हुक्म दिया है कि फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम उनसे पूछो जो अहल ज़िक्र हैं। वाज़े है, दीन व मज़हब की राह में भी यही है। परवरदिगार आप तमाम हज़रात की इबादतों को कबूल फरमाए, आपको इबादतों और बंदगियों की तौफीक अता फरमाए। दीन की राह में भी यही है, अपने तौर पर दीनी मसाइल का हल पेश ना करें, अपने हुदूद को समझें। जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन के लिए वक्फ कर दी हैं उनसे पूछें, ये न कहें कि मुज्तहिदीन क्या होते हैं, ये न कहें फुकहा क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आप क्या होते हैं। आप अपनी हकीकत को देखें, सोचें। ये एक आम बात होगी। देखिए, दो चीज़ें याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं जिन्होंने पिछले 1400-1500 बरस के तवील अरसे में दीनों मज़हबों मिल्लत की हिफाजत की है, उम्मत कुरान की हिफाजत की है। याद रखिएगा, मैं उम्मत कुरान कह रहा हूँ, उम्मत कुरान की हिफाजत की है। याद है ना, फिर याद दिलाऊँ, उम्मत कुरान ये लफ्ज़ मैंने कहाँ से लिया है। दिल जिगर संभाल के बैठिएगा, अभी कुछ देर मुझे पढ़ने की मोहलत दीजिएगा। रोज़ आशूरा, रोज़ आशूरा इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने असहाब से खिताब फरमाया तो कहा, या उम्मत अल-कुरान, ए उम्मत कुरान। जब मुखालिफीन के सामने खुतबा दिया जो दुश्मनान इमाम हुसैन थे, तो फरमाया, या उम्मत सू, ए उम्मत सू। इमाम के जुमले हैं, तारीख में आए। अपने असहाब से क्या कहा, या उम्मत अल कुरान। मैं क्यों आपसे रोज़ाना कह रहा हूँ, अहले कुरान बनिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए, 10 आयतें पढ़ के रोज़ाना सोइए, कम से कम 3 मरतबा कुल हो अल्लाह पढ़ के रोज़ाना सोइए, 7 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ लीजिए, ताकि आप उम्मत कुरान में शामिल रहें। उम्मत कुरान, आपको उम्मत कुरान में शामिल होना है। और ये क़याम क़यामत तक के लिए तकसीम कर दी हज़रत ने। बनाम इस्लाम दो गरोह हैं, एक वो जो हुसैन के साथ हैं, एक वो जो हुसैन के बिलमुकाबिल। जो हुसैन के साथ हैं वो हैं उम्मत कुरान, जो हुसैन के साथ हैं वो हैं उम्मत कुरान, जो हुसैन के बिलमुकाबिल उम्मत सू। आपको फैसला करना है, आप उम्मत कुरान में रहना चाहते हैं या उम्मत सू में। उम्मत कुरान, उम्मत कुरान, आपको उम्मत कुरान में रहना है। बहरहाल गुजारिश जो कर रहा था कि इमाम हुसैन ने ख़िताब दिया है उम्मत कुरान, या उम्मत अल कुरान। इसलिए आप अपने हुदूद को समझें और ये देखें कि जिन लोगों ने आपको कुरान के मारिफ कहाँ से लेने हैं,
दीन के मतालब कहाँ से लेने हैं? आपका जो इस वक्त तक वजूद मुबारक व मुकद्दस मौजूद है, इस वक्त आज, ये किन की मेहनतों का समरा है? आज जो आप दीनी किताबें पढ़ते हैं, हदीस के मजमूए पढ़ते हैं, ये किन लोगों ने लिखी हैं? ये हदीस के मजमूए फुकहा ही ने लिखे हैं, ये मुज्तहिदीन ही ने लिखे हैं, ये उलमा ही ने लिखे हैं। दो चीज़ें तूल तारीख में आपकी हिफाजत करती रही हैं, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, हमेशा अर्ज़ करूँगा। एक एक फ़र्द जो सुन रहा है गौर से सुने, मर्द औरतें सब गौर से सुने। दो चीज़ें आपकी क़ुव्वत हैं, आपकी ताकत हैं, आपकी मुहाफिज़ हैं तूल तारीख में। एक आपका दबिस्तान इज्तिहाद, इल्मी महाज पर आपका दबिस्तान इज्तिहाद, समाजी महाज पर आपका इदारे अज़ा। आज़ादारी, न आज़ादारी कमज़ोर होनी चाहिए, न मदरसा इज्तिहाद कमज़ोर होना चाहिए। आपके दुश्मन ये चाहते हैं कि आपका इल्मी महाज कमज़ोर हो जाए, इसलिए वो हमले करते हैं दबिस्तान इज्तिहाद पर। आपका दुश्मन ये चाहता है कि आप समाजी सतह पे भी कमज़ोर हो जाएं, इसलिए आज़ादारी पे हमले होते हैं। ना आज़ादारी कमज़ोर होनी चाहिए, ना दबिस्तान इज्तिहाद। ये याद रखिएगा, इस तालिब इल्म के जुमले, इस फ़कीर के जुमले। जब भी कोई मसला दरपेश हो दीन का, जैसे बीमारियों के मसले लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, घर बनाना होता है मसले लेके इंजीनियर के पास जाते हैं, जिस फील्ड की बात होती है उस फील्ड के इंसान से रुजू करते हैं। दीन की बात हो उन उलमा की तरफ रुजू कीजिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन के लिए वक्फ कर दी हैं। ये वसवसे डाले जाते हैं, ये वसवसे डाले जाते हैं कि ये मुज्तहिदीन, ये फुकहा, ये उलमा कुछ नहीं हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ की हैं खिदमत मकतबे अहले बैत के लिए, वरना इनके लिए दुनिया के दरबार खुले हुए हैं, बहुत मौजूद हैं कीमतें देने के लिए। बहुत मौजूद हैं ख़रीदने के लिए, बाज़ार खुले हुए हैं, मगर जो ग़ुलामान अहले बैत होते हैं वो बिकते नहीं, वो जिनसे सरे बाज़ार नहीं होते। मैं सिर्फ दो मिसालें दे रहा हूँ, दो मिसालें। एक हज़रत आपके शहर के हैं, आपके मुल्क के हैं, हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफ़ी, अल्लाह उनका साया बरकरार रखे। मुज्तहिद हैं, मरजे तकलीद हैं, साहिब रिसाले अमलिया हैं। फ़िक्ह हो, उसूल फ़िक्ह में उस दर्जे पर फ़ायज़ हैं कि आज तय करना मुश्किल है कि उनके बराबर कोई दूसरा है या नहीं है। ये पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी तालिब इल्माना ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके हम ज़बान हैं। कई बरस कबल एक हमले में वो ज़ख्मी हो गए ख़ुद, बम ब्लास्ट हुआ, उनके अतराफ में जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए, वो ख़ुद थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए। और उस वक्त सारी दुनिया से, देखिए अगर इंसान जाह पसंद होगा, जाह तलब होगा, माल तलब होगा, दुनिया तलब होगा, तो उसे आफ़ियत चाहिए। मैं ख़ुद उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी में, वहाँ से टेलीफ़ोन किया, तमाम मोमिनीन मेरे पास मौजूद थे,
मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के और सिडनी के मोमिनीन सब आपके लिए चशमबरा हैं, आप यहाँ आ जाएं। मेरे बड़े भाई जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयदुल कद्र रज़वी साहब, परवरदिगार उनका साया बरकरार रखे, जिन्होंने लंदन की सरजमीन पर सबसे पहली बाकायदा शिया मस्जिद का संग बुनियाद रखा है। यानी मराकज़ थे, सेंटर्स थे, इमाम बाड़े थे, सब कुछ था, लेकिन मस्जिद नहीं थी। उन्होंने मस्जिद भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे नामी पर मस्जिद अमीरुल मोमिनीन मस्जिद अली इब्न अबी तालिब की तासीस फरमाई। इन्होंने लंदन से फ़ोन किया, कहा आगा आप लंदन तशरीफ़ ले आए। सारी दुनिया से टेलीफोन किए गए कि आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, हम चश्मबरा हैं, सारी सहूलतें आपके लिए फराहम हैं, घर मकान वीज़ा सारी सहूलतें। उन्होंने कहा हम अली इब्न अबी तालिब की चौखट छोड़ के नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर हम हौजा छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे अशख़ास के लिए आप कह सकते हैं कि नफ्स परस्त हैं? ऐसे अशख़ास के लिए दूसरी मिसाल। अब इजाज़त दीजिए खुल के कुछ बातें कर ली जाएं। मैं तो आपका मेहमान हूँ। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सीस्तानी उसी नजफ़ में हैं, परवरदिगार उनका साया भी बरकरार रखे। आप में से अक्सर को तजर्बा होगा कि आप ज़ायरीन का की शक्ल में काफ़िला लेके जाते हैं तो उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाता है। ज़ायरीन जो उनकी ज़बान भी नहीं समझते, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई हिंदी, कोई गुजराती, मगर वो जाता है उनके पास 40 मिनट 45 मिनट एक घंटा डेढ़ घंटा पूरा काफ़िला बैठता है, वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म चला जाता है, मुझे भी सरफराज फरमाते हैं, वक्त दे देते हैं, एक एक घंटा उनकी खिदमत में बैठने का शरफ़ हासिल हुआ है, इससे भी ज़्यादा। हज़रत अमेरिका के गवर्नर साहब गालिबन पॉल ब्रेमर डेढ़ साल या इससे भी ज़्यादा बगदाद में रहे और वो वक्त मांगते रहे कि आगा उनसे मुलाकात के लिए 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें। जब भी उनका पैगाम आता था आगा फरमाते थे मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। आजिज आकर उन्होंने 15-16 सफ़े का ख़त लिखा, इराक़ के मसाइल ये और वो और ज़मीन और तेल और सियासत और इक्तिसाद और मज़हब और दीन सब कुछ, और आगा को भेज दिया। आगा ने 15-16 सफ़े का ख़त 3 लफ्ज़ों में जवाब दिया, बिस्मिल्लाह ताला, आप अमरीकी हैं, मैं असालतन ईरानी हूँ, इराकियों का मसला इराकियों पर छोड़ दें, वस्सलाम। कोई ना अलकाब ना आदाब ना जनाब ना हुजूर ना गवर्नर साहब फलां कुछ नहीं, बेसम ही ताला, आप अमरीकी हैं, मैं ईरानी हूँ, इराकियों का मसला इराकियों पर छोड़ दें। ये सलाबत रखने वाला, ये इस्तेहकाम किरदार व फिक्र रखने वाला, क्या दुनिया तलब हो सकता है? तवज्जो है, तवज्जो है। यही नहीं, इससे बढ़कर जो रिवायत मुझे उनके खुद दामाद ने सुनाई, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी खुद मुझसे उन्होंने फरमाया, कहने लगे कि इस ख़त के बाद, इस जवाब के बाद बग़ैर नोटिस के बगदाद से पॉल ब्रेमर साहब नजफ़ आ गए और आके आगा के दरवाज़े पे खड़े हो गए। कहा हमें मिलने का 2 मिनट वक्त दे दीजिए, और आगा ने मिलने का 1 मिनट वक्त भी नहीं दिया।
क्या किरदार है किसको? हाँ, जो दुनिया तलब मौलवी होते हैं वो तो खुद दरख्वास्त लिए बैठे होते हैं कि गवर्नर साहब मुझे मिलने की इजाज़त दे दें। वो जो हदीस में मेयार है कि अगर आलिम को परखना है तो देखो जरदार आलिम के दरवाजे पर है या आलिम जरदार के दरवाजे पर। अगर ये मेयार कहीं देखना हो तो सिर्फ गुलामान आले मोहम्मद के यहाँ ये मेयार मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। ये मेयार खाके कदम मुर्तजा के तुफैल है, वो मुर्तजा जिसके दर पे हमेशा खिलाफत झुकती रही, वो खिलाफत के आगे नहीं झुका। तारीख है, तारीख है। इसलिए दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जो तवहमात हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं, तवज्जो से सुने। कराची में एक नौजवान आया और उसने मुझसे कहा कि मैं तकलीद नहीं करता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप तकलीद नहीं करते। मैंने कहा एक सवाल का जवाब देंगे आप? ये जो आप कह रहे हैं कि मैं तकलीद नहीं करता, ये किसी के कहने की बिना पर नहीं करते ना? अगर किसी ने आपसे कहा है ना कि तकलीद नहीं करनी चाहिए, उनका हाँ, हमने कहा यही तो तकलीद है। और तकलीद किसे कहते हैं? और तकलीद किसे कहते हैं? किसी ने कहा तकलीद नहीं करनी चाहिए, आपने तकलीद छोड़ दी, यही तकलीद है। तकलीद से इंसान बच नहीं सकता, फैसला सिर्फ ये करना है कि आलिम की करे या जाहिल की। तकलीद से बच नहीं सकते, फैसला ये करना है आलिम की तकलीद करें या जाहिल की, मुत्तकी की करें या नफ्स परस्त की, अल्लाह वाले की करें या अहले दुनिया की। तकलीद से बच नहीं सकते। एक निज़ाम है, इस निज़ाम को फॉलो करें, और जिस मैदान की बात हो उस मैदान के मर्द से रुजू करें। तफसीर की बात है तो अहले तफसीर से, तावील की बात है तो अहले तावील से, कुरान की बात है तो अहले कुरान से, दीन की बात है तो अहले दीन से। तफसीर बिर्राए कुरान मजीद की आयतों को अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक तफसीर करने का नाम है तफसीर बिर्राए। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला की मशीयत के मुताबिक तफसीर बयान करना, ये तफसीर बिर्राए नहीं है। आकल मंतिक हिकमत फलसफे और साइंस की बुनियाद पर तफसीर बयान करना भी तफसीर बिर्राए नहीं है। अक्ल व मंतिक उसी की आता है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान को मुफक्किर बनाया है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान को फिक्र की दौलत अता की है, अक्ल की नेमत अता की है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान को नुत्क अता किया है, मंतिक अता की है। बुरहान, बुरहान मंतिक की सबसे बड़ी नेमत है जो इंसान को हासिल है। इसलिए बुरहान की रोशनी में कुरान मजीद की तफसीर करना तफसीर बिर्राए नहीं है। जहाँ तफसीर कुरान उसूल दीन से टकरा जाए वो बातिल है, लेकिन जहाँ तक उसूल दीन महफूज हैं, तौहीद महफूज, आदल इलाही महफूज, नबूवत महफूज, मकाम ख़त्म नबूवत महफूज, इमामत महफूज, आखिरत महफूज, उसके बाद मैदान खुला हुआ है। जिस कदर फिक्र करना चाहें फिक्र करें, और ये ख्याल रखें कि दीन के दायरे से खारिज ना हो जाएं, वरना उसूल दीन पर बरकरार रहते हुए भी दीन से खारिज हो जाना कुफ्र तो नहीं मगर फिस्क ज़रूर है।
फैस्क यानी फासिक हो जाना, फासिक यानी दायरे से खारिज हो जाना। वाज़ह है। ये फकीर जो आपके सामने दहर की तफसीर बयान कर रहा है, ये तफसीर बिर्राय नहीं है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, गुज़श्ता दो शबों में सिर्फ ये अर्ज कर सका हूं आपके सामने कि परवरदिगार आलम ने जो उसलूब सवाल कायम किया है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन कलिमात को आखिर समझने की कोशिश की जाए या नहीं, और इस उसलूब को समझने की कोशिश की जाए या नहीं। ये इनडायरेक्ट मेथड है इंसान की कुव्वत फिक्रिया को बरंगेख्ता करने के। इंसान सोचे, मजबूर हो सोचने पर। एक सवाल सामने है, क्या कोई ऐसा वक्त भी गुजरा है कि हम काबिले जिक्र न थे? क्या कोई ऐसा वक्त भी गुजरा है जब कोई ऐसा वक्त, और वक्त के लिए दो अल्फाज आ गए, हीन और दहर। अब सवाल पैदा हुआ कि हीन क्या है और दहर क्या है, असलन वक्त क्या है? ये वक्त की बहस, तवज्जो रखिएगा एक जुमले पर, सिर्फ इसलिए नहीं छेड़ी मैंने कि आपको यह अंदाजा हो जाए कि मैं हिकमत का भी तालिब इल्म रहा हूं, मेरा फलसफे का भी मुतालआ है, इसलिए नहीं। वक्त की बहस को कुरानी नुक्ते नज़र से, नेचर ऑफ टाइम, फिलोसफी ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि बात सिर्फ माजी की नहीं है, मुस्तकबिल भी तो सामने है, हमें अपना फ्यूचर भी बनाना है। आपको अजीज़ो, आपको अपना फ्यूचर भी बनाना है। मुस्तकबिल साजी इस्लाम का बुनियादी मंसूबा है। जब इंसान, जब इस्लाम आखिरत की बात करता है, आखिरत की बात, आखिरत यानी मुस्तकबिल साजी। कल एक बच्चे ने सवाल किया, जन्नत और जहन्नम अभी है या खल्क होगा? होगा तो कहाँ होगा? जमान व मकान से मावरा, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जमान व मकान से मावरा। तो अगर जमानो मकान और बहिश्त और दोजख का मसला एक दूसरे से दस्तो गरीबा है, तो जमानो मकान के मसले को हल करना होगा। तवज्जो है, हल करना होगा या नहीं? और किससे हल कराएं? आइंस्टाइन से, न्यूटन से, दूसरे साइंसदानों से? नहीं। उनकी मेहनतों को पढ़ें, उनसे भी इस्तेफादा करें, मगर फैसला कुन कौल, कौल हक है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस किताब मुबीन में, इस किताब अजीम में, इस किताब मजीद में, इस किताब हकीम में जमान व मकान की हकीकत को भी उजागर किया है। मा वराए जमान व मकान हकायक को भी और जमान व मकान को भी। मैंने गुजारिश की थी, फिर अर्ज कर रहा हूं, वक्त का कलेमा और वक्त से मुश्तक कलेमात कुरान मजीद में मौजूद, वक्त से मुश्तक कलेमात कुरान मजीद में मौजूद। दहर दो मकामात पे कुरान मजीद में आया, सूरह मुबारक जासिया में, जहां मुशरिकीन मुल्हिदीन मुनकरीन हक सुबहाना हुआ ताला का कौल नकल हुआ है, वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई थ्योरी ऑफ क्रिएशन नहीं है, ये दहर है जो हमें जिलाता है और मारता है। दहर, यहीं से दहरी लफ्ज निकला। दहरी यानी मुल्हिद, दहरी यानी मुल्हिद, दहरी यानी दहर को खुदा मानने वाला। खुदा मानने से भी मफर नहीं है, जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था, बिला तशबीह तकलीद से मफर नहीं है। तय ये करना है कि तकलीद तकलीद जाहिल की करें या आलिम की। इसी तरह अर्ज करूं कि किसी मबदा को तस्लीम करने से मफर नहीं है, किसी मबदा को, किसी नुक्ते आगाज को तस्लीम करना पड़ेगा। तय ये करना है कि उसे जिंदा माने या मुर्दा, बेजान माने या जानदार, साहिब इख्तियार माने या बेइख्तियार, आलिम माने या जाहिल।
हम जिसे मबदाए कायनात मानते हैं वो हई है, कयूम है, कादिर है, आलिम है, मुरीद है, मुतकल्लिम है। तय ये करना है कि कायनात बनाने वाला, कायनात जहां से भी शुरू हुई वो नुक्ता आगाज क्या था, वो सरचश्मा कायनात क्या है। सरचश्मा कायनात का इनकार तो कोई नहीं कर सकता, वो बेजान जर्रे हैं या कोई जानदार हस्ती है। तवज्जो है, आगाज कायनात कहीं ना, साइंसदान भी आगाज कायनात के मुनकिर तो नहीं है, लेकिन तय ये करना है कि आगाज कायनात किस जात से हुई, आगाज कहां से हुआ, वो जात कौन सी थी, वो बेजान थी, मय्यत थी या हई, वो खुद बे इख्तियार है या कय्यूम है, वो बे इरादा है या मुरीद है, उसके पास तकल्लुम की कुदरत है या नहीं, मुतकल्लिम है या बेजबान, तवज्जो है, कादिर है या आजिज। तय ये करना है, किसी मबदा को मानने से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते, कहीं तो नुक्ता आगाज है। तय ये करना है वो नुक्ता आगाज कौन सा है। वाजे है, यहाँ पर ठहर कर एक नुक्ते की तरफ और वजह कर दूँ। अलबत्ता ये कराची में जनाब अख्तर जामिन साहब के मोहब्बत कदे पर और जनाब नजमुल हसन जाफरी साहब के मवद्दत कदे पर जो अशरा होता है उसमें इशारा कर चुका हूँ, इशारा, लेकिन बेपनाह बहस है, बहस बेपनाह है, तवज्जो रखिएगा। बहस ये है कि हम लफ्ज़ अज़ल इस्तेमाल करते हैं जब आगाज़ की बात हो रही है, आगाज़ नुक्ता आगाज़, तो आगाज़ का जब कलिमा आता है तो ज़हन में आता है लफ्ज़ अज़ल। सब मानूस हैं इस लफ्ज़ से, अल्लाह को अज़ली मानते हैं, अबदी मानते हैं, अज़ल का क्या तसव्वुर है ज़हनों में। शुआरा उदबा भी खूब इस्तेमाल करते हैं, अज़ल का क्या तसव्वुर है और अबद का क्या तसव्वुर है। आप अगर समझते हैं कि एक सिलसिले ज़मा है, एक ख़त खींचते चले जाइए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन, और उस वो जहाँ से शुरू हुई है उस नुक्ते का नाम रख दिया अज़ल, और जहाँ ख़त्म हुई है उसका नाम रख दिया आबाद, क्या यही है अज़ल व आबाद। धोखा हो गया, आपने जहां महदूद किया वो वक्त है, अजल नहीं है। आपने महदूद कर दिया ना, कहा ये है अजल, अजल को महदूद नहीं किया जा सकता, अजल जमानी हकीकत नहीं है, और इसी तरह अबद को महदूद नहीं किया जा सकता, अबद जमानी हकीकत नहीं है। खुद अजल और अबद ला जमानी हकीकतें हैं, अजल और अबद ला जमानी हकीकतें हैं, इसीलिए ये नहीं कि अजल था, अजल अभी है, जो खत्म हो जाए वो महदूद है, जो ख़त्म हो जाए वो महदूद है। अगर ख़त्म हो गया तो अज़ल अज़ल नहीं रहा, ज़माने का एक हिस्सा हुआ। तवज्जो है, और जो अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा वो भी महदूद है। तो इसका मतलब ये कि अबद होगा नहीं, अबद है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, अज़ल है, अबद है इस वक्त, तो निस्बत क्या है जमा में, अजल में, अबद में, निस्बत क्या है जमा में, दहर में, सरमद में। निस्बत वही है जो आपके जिस्म और आपकी जान में निस्बत है। जिस्म नजर आ रहा है ना सामने, रूह नजर आती है,
नहीं। जिस्म नज़र आता है, रूह नज़र नहीं आती। जमा नज़र आता है, सरमद नज़र नहीं आता। अजल नज़र नहीं आता, अबद नज़र नहीं आता। अजल व अबद मावराए ज़मान व मकान है। बहुत मुश्किल बहसें हैं, मगर ये सब ज़रूरी हैं। किस लिए ज़रूरी हैं? अब ये किस लिए ज़रूरी हैं? जब आपके सामने मुअज्जज़ात का तज़किरा होता है, जब आपके सामने मुअज्जज़ात का तज़किरा होता है, किसी और के मुअज्जज़ात नहीं, सरवर आलम, सैयद कायनात, हबीब किबरिया, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम। आप सब मिल के बुलंदतर सलावात पढ़ें। जब मुअज्जज़ात का तज़किरा होता है, हुजूर के मुअज्जज़ात का तज़किरा, तो बहुत से हज़रात को हकीकतें समझ में नहीं आती। बहुत से लोग इसे कहानी समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाह अफसाना समझते हैं, मज़हबी लोगों की खुश बावरी पर महमूल करते हैं, खुश फहमी पर महमूल करते हैं, समझते हैं कि बस ये बेचारे मज़हबी लोग, इनकी ज़हानत इतनी ही है, ये इस तरह के किस्से और कहानियाँ बयान करते हैं। किस्से कहानियाँ नहीं हैं। खसूसियत के साथ मैं जनाब बद्र हैदर साहब के मोहब्बत कदे पर मेराज के मौजू पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन ये बहस वहाँ नहीं छेड़ी थी, ये बाकी रह गई है कि मेराज उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक के ज़मानो दहरो सरमद का रिश्ता समझ में ना आए, और जब तक ये हकीकत सामने ना हो कि एक ज़मान है, एक दहर है, एक सरमद है। अज़ल और अबद वो सरमदी हकायक हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। ज़मान ज़ाहिर है, अज़ल उसका बातिन, अबद उस बातिन का बातिन। ज़रा साथ दे दीजिए, मुझे अंदाज़ा है दूर दूर से आप आए हैं इस फ़कीर को सुनने के लिए, तो आप कुछ बहसें, कुछ निकात ले कर जाएँ, कुछ फिक्र का सरमाया लेकर जाएं। जमा जाहिर है, इसका बातिन अजल है, उसका बातिन अबद है। अजल अभी मौजूद है, खत्म नहीं हुआ। अबद अभी मौजूद है, खल्क नहीं होगा। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। लेकिन इन तीनों में राबिता कौन बन सकता है? कौन है जिसमें ये कुदरत हो कि जब चाहे हिसारे जमा में रहे, जब चाहे हिसारे अजल में रहे, जब चाहे हिसारे अबद में पहुंच जाए? वो होगा जो मालिक दहर होगा, जिसका नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी देर ठहर लीजिए। आप कहिएगा ये बहस मेराज से क्या ताल्लुक़ रखती है? मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम फ़िरक़े, तमाम मसालिक के नज़दीक ये रिवायत साबित है, हुजूर मस्जिदुल हराम से चले, कहाँ पहुँचे? मस्जिद अक्सा। बज़ाहिर पहुँचे मस्जिद अक्सा, वहाँ आलम क्या था? आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मौजूद। ये अंबिया है सारे जमा में तो थे नहीं? ये अंबिया कहाँ थे? दामन जमा नहीं, वो तो चाक हो चुका था। आदम वफात पा चुके थे, दफन किए जा चुके थे। नूह वफात पा चुके थे, दफन किए जा चुके थे। मूसा वफात पा चुके थे, दफन किए जा सकते चुके थे। इब्राहिम वफात पा चुके थे, दफन किए जा चुके थे। ईसा आसमान पर उठाए जा चुके थे। इस हिसारे जमा से, इस टाइम स्पेस, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स से बाहर जा चुके थे, फिर मुस्तफा के सामने कैसे आ गए? आए
ही नहीं आए आए लाए गए, इधर से मुस्तफ़ा लाए गए, उधर से अम्बिया लाए गए। देखिए जब किसी की अहमियत जतानी होती है तो जो पीछे रह जाते हैं उन्हें करीब बुलाया जाता है, जो आगे बढ़ जाते हैं उन्हें वापस बुलाया जाता है। भाई गदीर में क्या हुआ था, रसूल ने कहा जो आगे चले गए हैं वापस बुलाओ। जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। फिर अर्ज करूंगा, कभी इस बात को समझने की कोशिश की है, ये नहीं कहा जो लोग हैं वो सुन लें और जो आगे चले गए हैं उन्हें जाके बता देंगे, ये नहीं कहा। जो पीछे रह गए हैं जब आएंगे तो उन्हें बता देना, सफर में मैं तुम्हें ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता, जल्दी से ये पैगाम सुन लो। नहीं, जहमत करो, ठहरो, रुको, इंतजार करो, बुलाओ जो आगे गए हैं, पीछे बुलाओ जो पीछे हैं उनका इंतजार करो, ताकि मालूम हो जाए। ये आगे वालों को पीछे बुलाना, पीछे वालों का इंतजार करना, ये अलामत है, अलामत है, सिंबल है, ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, ताकि मालूम हो आदम से लेकर कयामत तक सब पर विलायत अली वाजिब। सब पर विलायत अली वाजिब, आदम ज़ेर फरमान विलायत अली हैं, इब्राहिम, मूसा, ईसा सब ज़ेर विलायत फरमान अली। मुबालिगा है, हद से बढ़ गया, जुनून है मुझे, बुखारी से पूछिए। पूछिए इमाम बुखारी से क्या लिखा है उसमें, उसमें लिखा है हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, रहमत आलम ने, खातम नबीन ने, अकल कुल ने, सैयद कौनैन, सैयद कायनात ने फरमाया, कैफ अंतुम, क्या हाल होगा तुम्हारा, इदा नजल इब्न मरियम फीकुम, जब इब्न मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे, व इमामकुम मिनकुम, और इमामत करने वाला तुम्हारे दरमियान से होगा। यानी ईसा को इमामत कराएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पीछे होंगे मुक्तदी, और अली का पोता इमाम होगा। अली का पोता इमाम होगा, अली का पोता इमाम होगा, तो फिर अली का मर्तबा क्या होगा। जुनून है हमें, दीवाने हो गए हैं हम, हाँ हाँ दीवाने हैं हम, दीवाने हैं, मगर सोच समझ के दीवाने हुए हैं। आर सिर्फ ये कर रहा था कि जब बात अहम होती है तो ये अंदाज होता है, आगे वालों को पीछे बुलाओ, पीछे वालों को इंतज़ार करो। वही हुजूर की शान में है, हुजूर यहाँ से बुलाए गए मस्जिदुल हराम से, वो जो हिसारे दहर में थे, कहाँ थे, जमा से निकले तो कहाँ गए, जब तक यहाँ हैं, जब तक यहाँ है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पे कदम रंजा फरमाते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ चलते फिरते थे, फिलिस्तीन में तूरे सीना पर, जब इन अतराफ़ में थे तो हिसारे जमा में थे, हिसारे मकाम में थे, जब वफ़ात हो गई तो कहाँ गए, उनका जिस्म मुबारक व मुक़दस पैवंद खाक हो गया,
उनकी रूह मुबारक व मुक़द्दस, रूह तैयबा, जिसम मिसाली और जिसम बरज़ख़ी के साथ आलम बरज़ख़ में है। आलम बरज़ख़ और अम्बिया के लिए आलम बरज़ख़ यानी आलम दहर में है। अब हुजूर वहाँ बुलाए गए तो सब वहाँ से आ गए। कोई ऐसा मालिक दहर तो हो, कोई ऐसा साहिब जमा तो हो। अब जो मैं खुतबे में कहता हूँ इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन, क्या आंधी अकीदत है। सब नबी वहाँ हैं, सब नबी वहाँ मौजूद, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सब नबी मौजूद। सबका मर्तबा बुलंद है, सबकी खाके कफे पा हमारी आँखों का सुरमा है। लेकिन वहाँ कैफियत क्या है, सब खड़े हुए हैं, हुजूर भी खड़े हुए। अब जिब्राइल आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आप आगे बढ़ें, नमाज आप पढ़ाएंगे। कौन इमामत कर रहा है, कौन इमामत कर रहा है। अच्छा यहाँ ठहर के एक जुमला कहता जाऊँ जो कल कह दिया था मैंने और परसों, कि ये जो जनाब जिब्राइल आए और इन्होंने कहा या रसूल आप आगे बढ़िए, तो गोया रसूल को जिब्राइल इमाम बना रहे हैं। या हक सुबहाना हुआ ताला इमाम बना रहा है, हक सुबहाना हुआ ताला इमाम बना रहा है ना। अल्लाह इमामत अता फरमा रहा है। हज़रत जिब्राइल का क्या काम है यहाँ पर, प्रोटोकॉल ऑफिसर। अब कौन होगा जो प्रोटोकॉल ऑफिसर को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से अफजल समझे। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, प्रोटोकॉल ऑफिसर वहाँ पे कुछ काम करता है ना। हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सफ़र मेराज में प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, और वो भी एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं, हुजूर इसके बाद मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरी खिदमतें यहाँ तक ख़त्म, मेरी खिदमत यहाँ तक ख़त्म। अल्लाहु अकबर। वक्त गुज़र गया, पूरी तमहीद मजलिस में, तमहीद में मजलिस गुज़र गई, मगर अभी कुछ और एतज़ाजात हैं। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एतराज़ किया गया मसलन शैतान के ताल्लुक से, उसका जवाब रह गया, गुफ्तगू आगे बढ़ गई। खैर और शर का मसला और शैतान का मसला जो इसके अहल हैं, मुहक्किक हैं, उनसे जाके पूछिए। और जो मैंने ज़िक्र किया था कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के नामों में से एक नाम है अल-मुज़िल, तो दो नाम अलग अलग हैं, एक है अल-मुज़िल ज़ाल से है, वो अल-मुइज़ के साथ है, अल-मुइज़ इज़्ज़त देने वाला, अल-मुज़िल ज़िल्लत देने वाला, अल-हादी हिदायत करने वाला, अल-मुज़िल वाद से, अल-मुज़िल वाद से गुमराह करने वाला। लुग़वी माना तो यही है, लुग़वी माना यही है, लेकिन अल्लाह ना ज़िल्लत देने वाला है ना अल्लाह गुमराह करने वाला है। उसके अस्माए मुबारका में है ज़रूर, मगर वो ना ज़िल्लत देता है। ज़िल्लत बंदे खुद अपनी ज़िल्लत उठाते हैं अल्लाह की नाफरमानी करके, गुमराह होते हैं अल्लाह की बताई हुई राह को छोड़कर। लेकिन उसके नामों में ज़रूर है अल-मुज़िल भी, अल-मुज़िल भी। और यकीनन कायनात में जितनी चीज़ें हैं, क्या आप दो या दो से ज़्यादा मबदा के कायल हैं, दो या दो से ज़्यादा सरचश्मे हैं वजूद के, दो या दो से ज़्यादा खालिक हैं, बस एक, बस एक, वो भी कौन सा एक, वाहिद अददी नहीं, वाहिद गैर अददी, न्यूमेरिकल वननेस नहीं, अन्यूमेरिकल वननेस, वो एक नहीं जो एक और एक मिलके दो हो सके, वो एक नहीं कि जो निसफ भी हो सके, नहीं, वो एक जो दो नहीं हो सकता, वो एक जो निसफ नहीं हो सकता, वहदत गैर अददी,
जो एक तसव्वुर है तौहीद हक समदी का, वो एक है, वो ही है और कुछ नहीं है। उसी की ज़ात गिरामी से सब कुछ है और वो है खैर महज। तो जो कुछ भी उसने खल्क फरमाया है वो सब खैर है, उसमें शर का पहलू नहीं है। आपका वजूद खैर है या शर? आपका वजूद खैर है ना। अब जो आप शर की बातें करते हैं उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ दी जाए या आपकी तरफ? आपकी तरफ। हम आप जो शर करते हैं करते हैं, उसकी निस्बत हमारी तरफ होगी ना अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ। वो खैर महज है, वो हक है, उसने जो कुछ खल्क किया वो हक, जो कुछ खल्क किया वो खैर महज। उसने शैतान को भी खल्क किया, खिलकत के एतबार से शैतान भी खैर महज है। खिलकत के एतबार से शैतान भी खैर महज है और उससे उसे अल्लाह ने अगर इजाज़त दी है वसवसे की भी, तो वो उस हिकमत अमली के तहत कि दुश्मन सबब खैर गर खुदा खाहद, दुश्मन सबब खैर हो जाता है। शैतान शर करता है, अल्लाह उस शर को भी खैर से बदल देता है। अल्लाह वसवसों को तरबियत नफूस इंसानी के लिए एक तरबियत के औज़ार के तौर पर, एक तरबियत के उसूल के तौर पर, एक तरबियत के तरीक़ेकार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने शैतान को कमज़ोर चीज़ दी सिर्फ वसवसा करने की ताकत, आपको कहीं मजबूत चीज़ दी है, आपको इरादा दिया है, आज़म दिया है, इख्तियार दिया है, उससे कहीं बुलंद है। इसलिए ये ज़हन आली में ना आए कि इसमें कहीं कोई मसला तौहीद के ख़िलाफ़ है। दूसरा एतराज़ जो हुआ और सवाल हुआ और एक अहम शख्सियत की तरफ से हुआ, मैंने कहा आप ठहरिएगा कल जवाब अर्ज़ करूँगा। मैं गुजारिश कर रहा था, मिसाल में आ गई थी बात, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आज़मत के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि मलाइका अफजल नहीं है हुजूर से, मलाइका हुजूर के खिदमत गुजार हैं, कोई भी हो, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, जितने भी मलाइका हैं सब खिदमत गुजार हैं, मामूर हैं। किस बात पर? इताअत मुहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बुलंद सलावात पढ़ें एक बार, भाई सुने, हुजूर की इताअत पे तो मामूर ही हैं। ये रिवायत सुन लीजिए और रिवायत की सनद वो है, अभी जब्त रखिएगा, अभी मुझे कुछ पढ़ना है, अभी कुछ पढ़ना है, अभी एक बड़े एतराज़ का जवाब देना है, लेकिन जब्त रखिएगा, अगर दिल उमंड आए तो जब्त रखिएगा, गिरिया ना कीजिएगा। एक शख्स आया जान मुस्तफ़ा, जान मोहम्मद अरबी, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जवानों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, मेरी माएँ बहनें सब तवज्जो से सुने, अल्लाह आप सबको अइम्मा की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज नसीब फरमाए, उम्रे की तौफीक दे और चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें आपको नसीब हैं। ये बात इमाम की हयात तय्यबा का वाक़िया है, हयात ज़ाहरी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ़ फरमाएं, कहाँ? मदीने में। एक उनका चाहने वाला दूर दराज रहता है और वो हर साल इमाम की ज़ियारत को जाता है। एक मरतबा उसकी जौजा ने कहा कि मुझे भी आका की ज़ियारत के लिए ले चलो, कहा कि मेरे पास, तुम जानती हो, इस्तेआत नहीं है, पैसे नहीं हैं, सफ़र खर्च नहीं है, कैसे जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, मैं शर्मिंदा हूँ। कहा नहीं, ऐसा करो, मेरे जितने जेवरात हैं मैं देती हूँ, इसे बेच दो, मुझे ये जेवरात नहीं चाहिए।
अगर ये ज़ेवरात बेच कर जो कुछ पैसा आता है इससे ज़्यादा सफ़र मुहैया हो जाए तो मुझे आका की ज़ियारत को ले चलो। वो मोमिन मजबूर हुआ, उसने अपनी बीवी के तमाम ज़ेवरात बेच दिए। इतना ज़्यादा सफ़र फराहम हो गया कि वो बीवी को लेकर मदीने रवाना हुआ। तवज्जो रखिएगा सनद इस रिवायत की, सनद उस पाए की है जिस पाए पर कोई फ़कीह मुज्तहिद मर्जे तकलीद हलाल व हराम का फतवा देता है। सनद समझे आप, सनद उस पाए की कमज़ोर रिवायत नहीं सुना रहा हूँ। और ये रिवायत मरबूत हमारी बहस से भी है, मलाइका का वजूद कहाँ है, जमान में या दहर में? दहर मादी नहीं है वो, मलाइका का वजूद आलम दहर में है, व्याए दहर में है, व्याए जमान में नहीं है। हम हैं जमान में, वो हैं दहर में। इमाम अलैहिस्सलाम मदीने में है, वो शख्स अपनी जौजा को लेके चला मदीने से थोड़े फासले पर, वो शदीद बीमार हो गई, शदीद बीमार, जैसे इहतजार की कैफियत हो, नज़ा का आलम हो, मायूस हो गया। उसे वहीं छोड़ा, मदीने दौड़ा, कब्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और उसके बाद जाने पैगंबर की खिदमत में गया। फ़र्जंदे पैगंबर आप पर दरूद व सलाम। इमाम मुस्कुराए, इमाम ने कहा क्या हाल है? कहा आका क्या बताऊँ क्या हाल है, आपकी कनीज मेरी बीवी वो इस तरह से, हमने उसके जेवरात बेचे, हम मुहैया हुए लेके आए मदीने के से थोड़े फासले पर, वो इतनी मरीज़ हो गई कि वो आ नहीं सकती, मुझे मालूम नहीं वो ज़िंदा है या नहीं। इमाम मुस्कुराए, कहा जाओ वो सेहतमंद है, उसके पास फ़ला नामी औरत मौजूद है जो उसे ग़िज़ा खिला रही है और ये ग़िज़ा खिला रही है, जाओ उसे ले कर आओ हमारी ज़ियारत के लिए। ये शख्स वहाँ से चला आया। जुमला सुनिएगा रिवायत का, याद रखिएगा कि आपको कैसे इमाम अल्लाह ने अता किए हैं। शान मोहम्मद तो बहुत बुलंद है, ये फर्जंदे मोहम्मद अरबी की बात कर रहा हूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये शख्स आया और आने के बाद इसने देखा उसकी जौजा उसी हयत में है जो इमाम ने कहा था, वो एक औरत बैठी हुई है जो उसे ग़िज़ा खिला रही है। इसने पूछा क्या कैफियत थी, क्या हुआ ये तगैर, ये तबद्दुल, ये सेहत, ये चेहरे पे नूर व बशाशत? क्या तुम्हें मालूम नहीं मलकुल मौत आ गए थे, एक शख्स आए वहाँ पर जो इस तरह का अमामा पहने थे, ऐसा लिबास पहने थे। वो बताती जा रही थी और इसके सामने इमाम का चेहरा आता जा रहा था। कहा उन्होंने मलकुल मौत से कहा क्या तुमको अल्लाह ने हमारी इताअत का हुक्म नहीं दिया है? क्या तुमको अल्लाह ने हमारी इताअत का हुक्म नहीं दिया है? उसने कहा फर्जंदे रसूल आप हुज्जत हक हैं, हमें इताअत का हुक्म दिया गया है। कहा हमने 20 साल उम्र उसको अता की, वापस जाओ। मलकुल मौत मामूर इताअत इमाम वक्त है, हुज्जत खुदा की इताअत मा सिवल्लाह हर मखलूक पर वाजिब है। इस पर अक्ल व बुरहान की दलीलें कायम हैं, इस पर नकल व कुरान की दलीलें कायम हैं, इस पर विजदान व इरफान की दलीलें कायम हैं। क्या तुमको हुक्म नहीं दिया है अल्लाह ने हमारी इताअत का? उसके बाद उस जौजा को लेके गया वो शख्स मदीने। जैसे ही वो इमाम के घर में दाखिल हुई, उसने कहा खुदा की कसम यही बुजुर्गवार था, कोई और नहीं था, यही थे जिन्होंने आकर फरमाया था इमाम मदीने में तशरीफ़ फरमाएं, मलकुल मौत वहाँ है, इमाम यहाँ भी है, इमाम वहाँ भी है। ये किसमें जौहर पैदा होता है? जो मालिक दहर हो साहिब जमा हो।
सिर्फ एक लफ्ज दहर की हकीकत पे गुफ्तगू अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन बस अब गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँ। दूसरा जो एतराज़ था, तीसरा जो एतराज़ था, कल एक अहम शख्स ने कहा, आपने फरमा दिया कि मलाइका ठीक है, वो बहस अलग है, मलाइका अफजल नहीं है हज़रत से, मगर ये जो आपने कहा कि जहाँ भी अली पैदा होते, याद है ना मेरा जुमला, दोहरा रहा हूँ, याद रखना, भुला ना देना, लिखना इसे, कोट करना, नकल करना, इख्तिबास करना। अली अलैहिस्सलाम का खाने काबा में पैदा हो जाना अली अलैहिस्सलाम के लिए शरफ और फजीलत और फख्र और मुबाहात की बात नहीं है, खाने काबा की फजीलतों में इजाफा हुआ। और फिर मैंने जुमला कहा था कि अगर अली खाने काबा में पैदा ना होते तो मुमकिन है खाने काबा काबा रहता, किबला ना बनता। दलील अर्ज करूं, कुरान मजीद खोलिए, कुरान मजीद दूसरा पारा। एक बुजुर्गवार ने कहा कि हमेशा से खाने काबा किबला था, गालिबन सूरह आल इमरान की आयत है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकं व हुदन, हुदन व मुबारकं व हुदन लिल आलमीन। वो आयत अपनी जगह, वो आयत अपनी जगह, सबसे पहला घर जो रूए ज़मीन पर बना लोगों के लिए हज के लिए वो खाने काबा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तूल तारीख में किबले बदले भी हैं कि नहीं, हम बताएंगे या कुरान से पूछिए। जब तक हुजूर मक्के में थे तो इस तरह नमाज पढ़ते थे कि खाने काबा भी आगे होता था, मस्जिद अक्सा भी, लेकिन जब मदीने चले गए तो ये मुमकिन न था। अब भी मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख कीजिए तो ऐसे, काबे की तरफ रुख कीजिए तो ऐसे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस है ना, तो मुमकिन नहीं था ना कि एक तरह खड़े हो जाएं और दोनों को क़िबला करार दें। इसका मतलब यही तो है कि खाने काबा के अलावा अल्लाह ने क़िबला मुकर्रर किया था, अल्लाह ने मुकर्रर किया था या नहीं। फिर अल्लाह ने ही हुक्म दिया कि अब बैतुल मक़दिस को छोड़कर खाने काबा को क़िबला बनाओ। लेकिन क़िबला बनाने की वजह क्या है, इल्लत क्या है, कुरान से पूछिए, आयत पढ़िए। वो दूसरा पारा, सयकूलुस्सुफहाउ मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سيقول السفهاء سفهاء سفيه की जमा सुफह ये नादान लोग ये बेअक्ल लोग ये पूछेंगे सवाल करेंगे कि जिस क़िबले की तरफ ये रुख करके नमाज पढ़ते थे उसको छोड़कर नए क़िबले की तरफ रुख क्यों किया। कौन पूछेंगे, हम कुछ कहें तो गुनाहगार। कुरान कह रहा है सोफहा, नादान नादान बेअक्ल लोग, सफीह लोग। सफीह किसे कहते हैं, सफीह की शरीयत मालूम है आपको, शरीयत में सफीह उसे कहते हैं जिसको खुद उसके माल में तसर्रुफ से रोक दिया गया हो। हाकिम शरा कोई इख्तियार है, फर्ज कीजिए कोई साहब है और वो माल उनका, जायदाद उनकी, साहिब माल, साहिब सरवत, साहिब इख्तियार, आज़ाद सब कुछ, मगर माशाअल्लाह आदतें अच्छी नहीं हैं, अक्ल भी यही नहीं है। जो उनकी बीवी बच्चे हैं, जो हकीकी वारिस हैं, वो तड़प रहे हैं, वो अपना माल इधर उधर जाके सर्व कर रहे हैं, बाजारियों पर बाज़ारों पर लुटा रहे हैं। अब ख़तरा हो गया कि आल औलाद का क्या होगा, शरीयत कहती है इन्हें रोको पाबंद करो, तकलीद नहीं करोगे तो तबाह हो जाओगे। शरीयत कहती है हाकिम शरा, हाकिम शरा वली फकी मुज्तहिद
ये जाके कहेगा माल आपका है मगर आप अब इसमें छू नहीं सकते मेरी इजाजत के बगैर। जब आपको जितना माल चाहिए हो मुझे बताइए, मैं इजाजत दूंगा, फिर खर्च कीजिएगा। क्यों? ताकि मैं इसे महफूज रखूं, ताकि आपकी औलाद के काम आए। मुज्तहिद ले नहीं लेगा, मुज्तहिद जब्त नहीं कर लेगा, फकीह अपने इस्तेमाल में नहीं लाएगा, तुम्हारा माल तुम्हारी नस्ल के काम आएगा। मगर सफी अगर हो गए तो ये पहरा बैठा दिया जाएगा। ये सफी शरीयत में उसे कहते हैं कि जिसको अपने माल में भी तसर्रुफ का इख्तियार ना हो। खैर, फ़र्ज़ कीजिए कि कुरान मजीद ने इस फ़िक़्ही इस्तिलाह में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन नादान तो कहा ना। सयकूलु सुफहा मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। ये सुफहा, ये सफ़ीह लोग, ये नादान, ये पूछेंगे, ये कहेंगे कि किस चीज़ ने इन्हें क़िबले से मुनहरिफ कर दिया, पहले क़िबले को छोड़कर दूसरे क़िबले की तरफ आ गए। قل لله المشرق والمغرب, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए मशरक भी है, अल्लाह ही के लिए मगरब भी है। يهدي من يشاء الى صراط مستقيم, वो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है। जिसने सूरह हम्द को समझ लिया है वो जानते हैं सिरात मुस्तकीम किसका नाम है। खुदा आपकी ईमानी फिरासतों को सलामत रखे, खुदा आपकी ईमानी फिरासतों को सलामत रखे। सिरात मुस्तकीम अली का नाम है। सिरात मुस्तकीम अली का नाम है। आगे बढ़िए, तस्दीक कीजिए, जाहिर कुरान से बातिन कुरान तक का सफ़र तय करने की आदत डालिए, तय करने का ज़ौक पैदा कीजिए। लफ्ज़ आदत माफ़ कीजिएगा, वापस कर दीजिए मुझे, ज़ौक पैदा कीजिए, ज़ौक। आगे बढ़िए, एक आयत आगे पूरी नक्शा कशी कर दी, पूरा खाका पेश कर दिया है कुरान में, मुरक्का पेश कर दिया है, मुरक्का निगारी की है कुरान ने। क्या ऐसी मुतहर्रिक तस्वीर लफ्ज़ों में कम मिलेगी, लफ्ज़ों में मुतहर्रिक तस्वीर, जैसे आ हज़रत का पैकर नूरानी निगाहों के सामने आ जाए। कुरान कहता है कद नरा तकल्लुब वजह कफ़ समा, ए हबीब हम देख रहे हैं कि आप बार बार आसमान की तरफ उठा के देखते, आप चेहरा उठा के आसमान की तरफ देखते हैं, बार बार आप आसमान की तरफ देखते हैं। अच्छा, देखते ही तो हैं, कुछ कहते तो नहीं हैं। कद नरा तकल्लुब वजह कफ़ समा, हम देखते हैं कि आप आसमान की तरफ चेहरा उठाकर देखते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, अब हम एक ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। दुनिया के किसी अरबी दां से जाके इस आयत का तर्जुमा करवा लीजिए, किसी अरबी दां से, किसी अरबी दां से, ईसाई हो, यहूदी हो, मुशरिक हो, बुतपरस्त हो, कोई हो, कहिए यहाँ पर बताइए इस आयत का तर्जुमा क्या होगा। अरबी सीधी सीधी बताइए, फलनुवल्लियन्नका, अब हम आपको ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ देंगे, क़िबलतन तर्ज़ाहा, नर्ज़ाहा नहीं, अर्ज़ाहा नहीं, मैं राजी हो जाऊंगा नहीं, हम राजी हो जाएंगे नहीं, तर्ज़ाहा मोहम्मद तुम राजी हो जाओगे। मैं गुजारिश कर चुका हूं इससे पहले, मुझे अपने जुमले याद आ रहे हैं, मुसलमान सारी इबादतें करते हैं रिजाए हक के लिए, हम कलिमा पढ़ते हैं रिजाए हक के लिए, हम नमाज पढ़ते हैं रिजाए हक के लिए, हम रोज़ा रखते हैं रिजाए हक के लिए, हम वजू करते हैं रिजाए हक के लिए, हक नमाज के लिए क़िबला मुकर्रर करता है रिजाए मोहम्मद के लिए। हक क़िबला मुकर्रर करता है रिजाए
मोहम्मद के लिए। अब मैं दस्ते अदब जोड़ के इतना तो सवाल कर सकता हूँ इस आयत से, कुरान से, ऐ आयत मुझे ये बता, मोहम्मद सिर्फ देख ही तो रहे थे आसमान की तरफ, कुछ कह तो नहीं रहे थे ना? ये अल्लाह सुबहानहु व तआला ने क्या फैसला किया, क्या कहा कि अब हम ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ देंगे जिससे आप राज़ी हो जाएंगे? मक्के से क्या हुजूर बहुत खुश निकले थे? खुश नहीं निकले थे ना? मक्के से हुजूर को सिवाय रंज के, मुसीबत के, दुश्मनी के, इनाद के और कुछ नहीं मिला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी मक्की जिंदगी में हुजूर को अगर कोई खुशी मिली है तो बस एक, जब खाने काबा की दीवार मुस्कुराई थी। और हुजूर की आगोश में अली आए थे, ये वो अजीम खुशी थी जिसे मुस्तफा भुला नहीं सकते थे। ऐसा मालूम होता है कि वो रब्बुल आलमीन जो माफ़ी सुदूर का इल्म रखता है, जो दिलों और सीनों के राज जानता है, वो जानता था कि मोहम्मद काबे को चाहते हैं, मोहम्मद काबे को पसंद करते हैं, इसलिए बेहतर है कि क़िबला काबा करार दे दिया जाए। मोहम्मद से पूछिए आप काबे को किस लिए चाहते हैं, तो एक ही जवाब होगा, यही तो वो घर है जिससे हमें हमारा जानशीन मिला है, हमारा नफ्स मिला है, हमारी जान मिली है, हमारा खलीफा मिला है, तुम्हारा इमाम मिला है, हुज्जत हक मिला है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। बस गुफ्तगु समेट रहा हूँ, चूँकि वादा कर लिया था इसलिए मुझे ये इआदा बयान का ज़रूरी था। कल एक बुज़ुर्ग ने, एक साहिब इल्म ने कहा, आपने ये जुमला कैसे कह दिया कि जहाँ अली पैदा होते वहीं काबा बन जाता, वहीं क़िबला बन जाता, काबा तो यही रहता, क़िबला वो बन जाता। अगर मस्जिद अक्सा क़िबला बन सकती है तो अली का जचा खाना क़िबला नहीं बन सकता? और ये तेवर, ये अंदाज बताता है कोई राज तो था जिसके बिना पर पैगंबर चाहते थे काबा क़िबला हो जाए। काबा की का जचा खाना क़िबला नहीं बन सकता? और ये तेवर, ये अंदाज बताता है कोई राज तो था जिसके बिना पर पैगंबर चाहते थे काबा क़िबला हो जाए, काबा क़िबला हो जाए, वरना क़िबला तो बैत मस्जिदुल अक्सा, बैतुल मक़दस क़िबला था या नहीं था? हुजूर ने नमाज़ें उसी तरफ पढ़ी या नहीं पढ़ी? फिर हुजूर क्यों चाहते थे कि काबा क़िबला हो जाए? तो क़िबले और काबा का फ़र्क समझ में आया? क़िबला काबा, क़िबला और काबा, काबे और क़िबले का फ़र्क समझ में आया? ज़रूरी नहीं था कि काबा क़िबला रहता, मगर रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अब वो भी रज़ाए मुस्तफ़ा किस लिए? ज़ाहिर है कि जान मुस्तफ़ा, नफ्स मुस्तफ़ा, जानशीन मुस्तफ़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी जाय विलादत है, उनकी जाय विलादत है। अरे मैं इस घराने की क्या क्या फजीलतें अर्ज़ करूं, क्या क्या फजीलतें अर्ज़ करूं। बस यहाँ तक बात आई है तो एक जुमला और कह लेने दीजिए, जब जुमला ज़बान तक आ जाए तो रोकना मुश्किल होता है। हालांकि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, खाने काबा का वाकयन फ़ज़ल व शरफ़ है कि अली अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए, एक फजीलत। दूसरी फजीलत खाने काबा की ये फजीलत है कि अली के हाथों से वो बुतों से पाक हुआ।
खाने काबा की ये फजीलत है, दूसरी कि वो अली के हाथों से बुतों से पाक हुआ, वरना खाने काबा रहता, साथ में बुतखाना भी बना रहता। हमारे पास एक घर और था जहाँ कोई बुत नहीं था। ये मेरा पुराना जुमला है, आपको याद होना चाहिए, मुझे भी याद है, लेकिन चूँकि मेरा जुमला है इसलिए वज्द करता हूँ, अल्लाह सुबहान व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। मक्के की सरजमीन पर एक घर ऐसा भी था जहाँ ना कोई बुत था ना कोई बुत परस्त। उसी मक्के की सरजमीन पर वो घर भी था कि जहाँ ना कोई बुत था ना कोई बुत परस्त। ए परवरदिगार मैं क्या करूँ, वो तेरा घर खाने काबा नहीं था, वो अली के वालिद का घर अबू तालिब का घर था। जहाँ हक ने मुहम्मद मुस्तफा को मुकर्रर फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यहाँ होगी। हुजूर कहाँ विलादत हुई, हुजूर की विलादत कहाँ हुई, खाने अबू तालिब में। क्यों हुई, क्यों हुई, हुजूर की विलादत काबे में क्यों नहीं हुई, हुजूर की विलादत खाने अबू तालिब में क्यों हुई? इसलिए कि वो घर था न जहाँ कोई बुत था। ना बुत परस्त खाने अबू तालिब वो था, न जहाँ कोई बुत था ना कोई बुत परस्त। इसीलिए दुनिया के बुत परस्तों को ये घर हमेशा बुरा लगता रहा। दुनिया के बुत परस्तों को ये घर हमेशा बुरा लगता रहा। अबू तालिब पे जुल्म हुआ, आका रसूल खुदा पे जुल्म हुआ, बीबी खदीजतुल कुबरा पे जुल्म हुआ, बीबी जहरा पे जुल्म हुआ, और नस्ल मुस्तफ़ा और नस्ल अबू तालिब पे तो वो जुल्म हुआ है कि अल्लाहु अकबर। बस मैं मजबूर हूँ चंद जुमले कहूँगा, वक्त तमाम हो चुका, वक्त गुज़र चुका, जो कुछ आज असल में पढ़ना था मुझे वो नहीं पढ़ सका, सिर्फ एतराज़ का जवाब देता रहा। इंशाल्लाह कल से मजलिसें 6B मॉडल टाउन में होंगी, वहाँ ये गुफ्तगू इंशाल्लाह सूरह दहर की जारी रहेगी। लेकिन आज आपको जी भर के पुरसा देना है, आज शब शहादत इमाम सज्जाद है, मौला अली इब्नुल हुसैन, मौला सैयद सज्जाद, मौला ज़ैनुल आबिदीन, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। मैं दो दिन से ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि आका की मुसीबतों की कोई इंतहा है, वक्त नहीं है, मैं दो तीन जुमले से ज़्यादा नहीं पढ़ सकूँगा, फिर आपको मातम करना है, फिर आपको नौहा करना है, फिर आपको पुरसा देना है, क्योंकि ताकत मेरी जवाब दे चुकी है। बस दो तीन जुमले कहूँगा, आप शबीह ताबूत बरामद करने के लिए आमादा हो जाएँ, मातम करने के लिए आमादा हो जाए। मैं दो तीन जुमले कहूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कहने से पहले सोचना पड़ता है। ये अमामा मजबूरन सर पे है, जब अमामा उतारूंगा तो शबीह लेकर बरामद करेंगे। मैं दो दिन से क्या फकरा कह रहा हूँ, मेरे मौला के दिल की कैफियत कोई समझ सकता है, मेरे मौला के दिल पे क्या क्या सदमे हैं। परसों कहा था मैंने कि एक जवान भतीजा
बूढ़ी फूफी के लिए सहारा बनता है, लेकिन यहाँ मामला बरक्स है, फूफी भतीजे के लिए सहारा बन रही है। कल मैंने एक और मरहले की तरफ इशारा किया, जब कोई जवान बेटा मौजूद हो तो मुमकिन नहीं है कि बाप का जनाजा बेगोरों का फन रह जाए। मगर ये सदमा हमारे चौथे इमाम को देखना पड़ा, उठाना पड़ा, और फूफी से ये फरमाया है इंतहाई रंज अलम के साथ, फूफी अम्मा आप ही इंसाफ फरमाएं, जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा रह जाए। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये मंजर आका को आखिरी उम्र तक याद रहा, ये मंजर आका भुला नहीं सके। गुज़श्ता बरसों में मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि आका वक्त आखिर जब इमाम को जहर दिया गया है, जब इमाम को जहर दिया गया है, उस वक्त जब इमाम इस दुनिया से, इस हिसार जमा से कूच फरमा रहे थे, शहादत के लम्हात थे, इंतकाल और विसाल के लम्हात थे, उस वक्त सब बच्चों को बुलाया, ख़ानदान के अफराद को बुलाया, वसीयतें की, उसूल दीन से फ़ुरू दीन तक जो इमामत के फ़राइज़ हैं वो अदा किए, जो असरार इमामत है वो इमाम बाकिर को तलकीन फरमाए, उसके बाद एक जुमला कहा है, कहा अब मुझे बिस्तर से ज़मीन पर लेटा। बच्चों ने दस्ते अजब जोड़ के कहा, बाबा आका आपके जिस्म में ताकत नहीं है, नहीं है जिस्म का, नहीं, मुझे जमीन पे लेटा दो। बच्चों ने उतार के फर्श पर लेटाना चाहा, कहा ये चादर हटाओ, ये चादर, मुझे खाक पर लेटा दो। आका ये क्या वसीयत है, का मैं अपने बाबा को बुला नहीं सकता, मेरा बाबा हुसैन।
निकल जाओ जैसे आदत का।